हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन लेके आया हूँ मैं। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग ये है कि आपको पता ही है, जो स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें आपका बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो है वो पेपर रहा। बहुत से क्वेश्चन जो थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। तो आज का जो सेशन रहना है वो हमारा जनरल साइंस का रहेगा। मैं जो है वो सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं। फिर भी अपनी तरफ से हम पूरी ट्राई करेंगे। तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अब से हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो डेली बेसिस पे जो है जितने भी करंट अफेयर्स उसको भी डालना स्टार्ट कर दिया है। और रिगार्डिंग जो पीडीएफ आपके मैं वीडियो जो अपलोड करूँगा वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन जो है वो उनको देख लीजिएगा और मुझे राइट आंसर बता दीजिएगा कि क्या राइट आंसर है। और अभी मुझे इस बात का पता भी नहीं है कि कितने बच्चों ने जो है वो वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए भी फॉर्म भर रखा है। तो जो भी बच्चे वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो होनी चाहिए। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं सेशन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उनको थोड़ा जूम कर लेने दो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जोलॉजी के नाम से जो है वो किन्हें जाना जाता है या किन्हें जो है खिताब दिया गया है फादर ऑफ जोलॉजी का। तो देखिए, क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इसमें जो है वो उनको इनके ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर देता हूँ। इसका राइट आंसर है इसका एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो बताइए कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, हेरिडिटी की और वेरिएशंस की। तो देखिए, जो नीचे आपके सामने ऑप्शंस है ना, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, एंटीमोलॉजी, ये सभी एक 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 जो है वो ब्रांच है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भी एक ब्रांच है, इम्यूनोलॉजी भी एक ब्रांच है साइंस की। देखो, ये सब ब्रांचेस आती हैं हमारी बायोलॉजी में, ये आपको समझने वाली बात है। तो अब जो क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा जेनेटिक्स। आपको पता ही है जेनेटिक्स सब बच्चों ने एक अलग से चैप्टर जो है वो पढ़ रखा है जेनेटिक्स का, जिसमें हमने स्टडी किया है कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है वो इवॉल्व होती है, क्या क्या चेंजेस देखी जाती हैं विद द जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है ह्यूमन बॉडी में। तो ऑप्शंस, पहले इसका तो मैं ऑप्शंस मुझे लगता है कि पढ़ने चाहिए। तो देखो, ऑप्शन ए कह रहा है थाइमस ग्लैंड, फिर विजडम टीथ, फिर फेरेंक्स या थायराइड ग्लैंड। देखो, जब क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, नॉट पूछा गया है, तो जब वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में सभी बच्चों को पता ही है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका फंक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन अब ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा थायराइड ग्लैंड। देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, आपको पता ही है थायराइड ग्लैंड, सभी बच्चे जो हैं वो आज जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि थायराइड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तो इस ग्लैंड की वजह से कितनी ज़्यादा हमारी बॉडी की रेगुलेशंस को जो है वो मेंटेन करके रखता है और रेगुलेट करके रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। जो बाइल है वो कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी में। डिफरेंट ग्लैंड्स आपको पता ही है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब पूछा गया है कि बाइल जो है वो कहाँ से, कौन से ग्लैंड से जो है वो रिलीज होता है। ऑप्शन ए लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर या स्प्लीन। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो, राइट आंसर जो है वो समझने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा कि बाइल जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है। सॉरी, ये पीछे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। तो बताइए, बाइल कहाँ से सेक्रेट होता है। वो हमारे लीवर से सेक्रेट होता है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, दैट्स लीवर। ओके, हो गए, फोर क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा मैं लंबी वीडियो भी नहीं रखूँगा, मतलब नॉर्मल वीडियो रखूँगा। सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं सभी को ये चीज़ बोलता हूँ, और शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन हैं ना मैंने थोड़े अलग करके लाए, वैसे क्वेश्चन नहीं है जो हम पहले डिस्कस करते आए, आज के क्वेश्चन हमारे थोड़े अलग रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। फाइव कह रहा है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स बैक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हर्ट। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी से हर्ट में जो ब्लड लाता है वो क्या लाता है। ठीक है,
ये कह रहा है वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स या लंग्स। तो अब ये क्वेश्चन समझने वाला है कि एक हमारी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, एक जो हर्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाता है और एक जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हमारे हर्ट में लाती है। अब जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हमारे हर्ट में लाती है वो कौन लाती है? आपको पता ही है, हमारी वेन्स लाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। इनमें से कौन सा जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, ठीक है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मुझे एक चीज़ बताइएगा, कितने बच्चों को ये चीज़ पता है कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। हमें ऑप्शंस के हिसाब से चलूँ, टर्टल, स्नेक, एप या लिजर्ड। तो अब राइट आंसर क्या है, वार्म ब्लडेड क्या है, वार्म ब्लडेड हमारे इसमें क्या है, एप्स है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज बाइल स्टोर। बाइल जो है हमारा स्टोर कहाँ पे होता है। दो क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं, मैंने अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि बाइल जूस जो है वो कहाँ पे बनता है पहली बात, और दूसरा बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है। तो इन दोनों में मिक्स करने वाली बात नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। बाइल जूस जो है हमारे लीवर में बनेगा, स्टोर कहाँ पे होगा, हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनमें से एक टाइप है हमारी कनेक्टिव टिश्यू की। अब कनेक्टिव नाम ही खुद से जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो टिश्यू प्रेजेंट है, देखो ऑप्शन देख लो, एडिपोज टिश्यू, कम्पैक्ट टिश्यू, कार्डियक मसल या एलोरल टिश्यू। तो इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में नहीं आता? तो इसमें से एक ऑप्शन आपको लग रहा होगा जो नहीं आता, वो हमारा है कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं, अब ये चीज़ पता होना चाहिए, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारी हार्ट की मसल्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये होके वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, आगे चलेंगे अब 8 के बाद, यस। अब 9 क्वेश्चन कह रहा है, नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट। नॉर्मली जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? अब देखो बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। इजी की बात नहीं है, आप जिन बच्चों ने स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा ना, उन्हें वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन तक पूछे गया था कि हमारे जो फ्लैग है, फ्लैग में जो सबसे बॉटम में कलर है वो कौन सा है, वो ग्रीन, ठीक है। तो बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होगी है, आप बच्चों से पूछोगे ना, बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होगी। बच्चों ने सोचा पता नहीं क्या इस तरीके से पूछा गया है कि जिसका हमको आंसर नहीं निकल रहा, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब यही क्वेश्चंस तो पूछे गए पेपर में, तो अब मेरा भी यही जो फोकस है ना वो यही है कि आपके लिए वो क्वेश्चंस लाए जाएं तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पेपर जैसा मर्जी था ना, लेकिन क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके के क्वेश्चंस बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक थे। ओके, तो बताइए कि नॉर्मल जो हमारा हर्ट है वो कितने मिनट में, एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसल फटीग्स अकर ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ, जो मसल्स में फटीग जो होती है वो बन जाती है, फटीग इन द सेंस की दर्द होने लगता है, वो किसकी वजह से होता है? एटीपी, एडीपी, लैक्टिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। आपको पता ही है ये चीज़, मुझे लगता है कि अगर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही हो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको एटीपी, एडीपी जो होते हैं वो दो चीज़ें हैं, एक आ गया एटीपी और एक आ गया एडीपी, ठीक है। अब एटीपी एडीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। अब देखो ट्राईफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी एकमुलेट होती है ना या एनर्जी रिलीज होती है ना, तो वो किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। ये आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल जिस बच्चे ने पढ़ रखा है ना उसको पता होगा कि ये क्या सीन होता है और कैसे जो होती है वो एनर्जी एकमुलेट होती है हमारी बॉडी में। ओके, अब ये इसमें एक और जो एसिड का नाम लिखा है, लैक्टिक एसिड। देखो ये जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है और यही जो है वो एक्युमुलेशन करता है जब हमारी बॉडी में फटीग होती है, मसल्स में फटीग होती है, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू गेट पेन रिलीफ इन मसल, ठीक है। कौन सा ऐसा ड्रग को हम यूज़ करते हैं या जिसकी हेल्प से जो हमें मसल्स में पेन होता है उससे हमें रिलीफ मिलता है? तो कुछ चार ड्रग्स का नाम दिया है, एनर्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स या एंटीडोट। अब ये जो चारों नाम दिए हैं ना, ये चारों के चारों नाम खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आगे एनर्जेसिक, पहले एंटीबायोटिक देखो, एंटीबायोटिक क्या है, हमारी बॉडी को जो कोई भी अगर प्रॉब्लम या एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है उसको किल करने के लिए जो हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो हमारी होगी एंटीबायोटिक। फिर एंटीसेप्टिक्स जो हम यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट यूज़ करेंगे क्या कि हमारे अंदर इन्फेक्शन ना हो पाए उस चीज़ के लिए। फिर एंटीडोट, एंटीडोट क्या होगा कि हमने अगर कोई ड्रग ले लिया हुआ है उसके मतलब क्या है कि उसके
पावर को रोकने के लिए या उसका जो काम है उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए अगर हम कोई लेंगे वो एंटीडोट लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं पेन रिलीफ इन द केस ऑफ द मसल्स, तो उस वक्त हम क्या लेते हैं? एनाल्जेसिक्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है नहीं है कि ज़्यादा डिस्कशन वाली बात है। आपको पता ही है हमारी हेयर में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो हमारा कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विटामिन B7 आपको पता ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट सीड। ठीक है, इनमें से डाइकॉट सीड की कौन सी एग्जाम्पल है? राइस है, वीट है, पल्सिस है या मेज है? तो बताइए डाइकॉट सीड की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? राइस, वीट, पल्सिस और सीड। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और राइज होता है, कौन सा? राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का। ठीक है, कई बार मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अभी भी कन्फ्यूज़न होती होगी कि कौन सा क्रॉप जो है वो रबी में आते हैं, कौन से जो है वो खरीफ में आते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने एक बार लाइफ में पढ़ी थी तो मुझे अभी तक कभी भी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई कि रबी को क्रॉप कौन सी और खरीफ क्रॉप कौन सी है। और आपको पता ही है अभी आपके स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में जो था वो कैश क्रॉप के बारे में पूछा गया था। तो अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को अभी भी रबी और खरीफ क्रॉप के बीच कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताओ, मैं टेलीग्राम पे एक अच्छी अपने हैंड रिटन नोट्स में आपको बता देता हूँ कि एक ट्रिक जिससे आपको कभी भी ये चीज़ नहीं भूलेगी। तो अगर वो भी नहीं होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा 5 या 6 मिनट की, जिसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप कभी भी भूलने नहीं लगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में डाइकॉट सीड की एग्जाम्पल क्या है इसमें, वो हमारी आ गई पल्सिस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। यस, 13 के बाद चलते हैं हम 14 क्वेश्चन। 14 कह रहा है विच लिक्विड कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, कौन सा लिक्विड जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है? तो इसमें ज़्यादा मैं सोचना नहीं होगा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस में जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्योरी पाउडर विच इज़ मिक्सड विद कॉफ़ी पाउडर टू ऑब्टेन फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग से हट के क्वेश्चन है, तो चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूट्स। ठीक है, आप याद रखिएगा एज इट इज़। अगर स्टैटिक क्वेश्चन कभी कोई इस ऐसा क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर जो है वो रूट्स लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन ह्यूमन। ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल कौन सी है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट की हमारी बॉडी में देखो रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, फिंगर जॉइंट या नेक जॉइंट। देखो बॉल और सॉकेट जॉइंट कौन से हमारी बॉडी में, वो है हमारा हिप जॉइंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। हिप जॉइंट जो है हमारी बॉडी में बॉल और सॉकेट जॉइंट की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अ बीटी सीड हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड। ठीक है, अब बीटी सीड क्या है? बेसिलस थोरेंजियस, आपको बताइए है बीटी सीड। जब जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स आए थे हमारे, ठीक है, तो उस वक्त ये सीड जो थे इंट्रोड्यूस किए गए थे। बेसिकली रीज़न ये था कि ये सीड इस तरीके के सीड्स थे जिनको रेजिस्टेंट बनाया गया था डिफरेंट बीमारियों से, इन्वायरमेंट से, ताकि कोई भी चेंजेस आ जाए इन्वायरमेंट में या कोई भी चेंज आए ऐसे प्लांट को रिटार्ड करे उसकी ग्रोथ को या उसकी प्रोडक्शन को, तो उससे प्लांट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है, तो वो बेसिकली जो सबसे पहले यूज़ किया था ना, जो सबसे पहला क्रॉप यूज़ किया गया था वो हमारा किया गया था कॉटन पे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा इनमें से किस में प्रेजेंट होती है? तो देखो कैप्सिकम, टोमेटो, ग्रेप या लेमन। आपको पता है विटामिन सी जो है हमारे खट्टे फ्रूटों में, खट्टे जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन सी प्रेजेंट होती है। तो विटामिन सी जो खट्टा फ्रूट है इनमें से एक ही है, वो हमारा क्या है? लेमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉली वाज एन एग्जांपल ऑफ क्लोन। ठीक है, डॉली, ये भी मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। आपको पता ही है कि डॉली जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल थी, क्लोन क्या है वो क्लोन एक क्लोन शीप है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वीडियो के स्टार्ट है मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है, और वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी आपको एप्स की। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है, वो हमारा क्या है? स्नेक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब मुझे एक चीज़ बताना आप सभी बच्चे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं या वार्म ब्लडेड में आते हैं? ठीक है,
तो फिलहाल के लिए आज के यही क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस मैं आप सभी बच्चे को ले लाया हूँ। होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो कोई भी क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं क्लैरिफाई कर लूँगा। और मैंने जो शुरू में आपको चीज़ बोली थी कि आप मुझे बता दो कि आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूँगा आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।